तो फ्रेंड्स, मैं अभी महाराष्ट्र पार करके ऑलरेडी इधर अपना सिवनी वाला बॉर्डर पे पहुंचा हूँ। तो यह है खवासा चेक पोस्ट, इसको बोला जाता है। और फ्रेंड्स, मेरा यहाँ का किलोमीटर है 15582, 15582 किलोमीटर यहाँ पर लिख रही है। फिर फ्रेंड्स, मैं यहाँ से अभी एमपी में घुसूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं और आपको जानकारी दूंगा कि कितना होटल कितना पंप आता है और क्या है इस रोड पे, वो भी आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगा। ओके फ्रेंड्स, अभी फिलहाल मैं खवासा चेक पोस्ट पे हूँ। इससे और आगे बढ़ता हूँ तो आपको और जानकारी देता हूँ फ्रेंड्स। ओके, और फ्रेंड्स क्या है ना, पीछे जो वीडियो बनाए थे महाराष्ट्र का, वो फ्रेंड्स उधरी का वीडियो बना के उधरी का एंड कर दिए। और फ्रेंड्स, अभी इधर मैं न्यू वीडियोस बना रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, वो एमपी का ओनली। मैं अभी चेक पोस्ट पार करके 1 किलोमीटर आया हूँ। तो राइट साइड में पेट्रोल पंप देखने को मिल रही है और होटल भी है, और लेफ्ट साइड में भी है होटल है, हरियाणा पंजाब फैमिली रेस्टोरेंट ढाबा है। ओके फ्रेंड्स, फिर फ्रेंड्स अभी यहाँ से बढ़ूंगा तो आगे की और जानकारी दूंगा। फ्रेंड्स, ये वाला जो रोड है पुल घाट सेक्शन रोड है, पुल जंगल रोड है, इसमें पूरा जंगल ही जंगल है। तो फ्रेंड्स क्या किया ना, इस तरफ और आगे देखता हूँ रोड का कैसा है, फिर बताता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, अभी मैं घाट चढ़ रहा हूँ और देखिए फ्रेंड्स कैसा कैसा टर्निंग है। लेफ्ट लाइट फुल गोल गोल टर्निंग है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यही घाट में चल रहा हूँ। देखिए कितना किलोमीटर तक ये घाट है। अभी पूरा घाट पार करने के बाद हम किलोमीटर चेक करेंगे और देखेंगे कितना किलोमीटर का ये घाट है। ओके फ्रेंड्स, फिलहाल तो मैं लेफ्ट लाइट कर रहा हूँ इसी जंगल में। ओके फ्रेंड्स, देखिए और ऑलरेडी देखिए अभी तक रोड घेरा हुआ है, अभी तक रोड खुला नहीं है, पूरा पैकिंग किया गया है ताकि कोई जानवर इस रोड के इस तरफ ना आ सके। ओके फ्रेंड्स, खाली देख सकते हैं आप लोग के सामने खाली चढ़े जा रही है गाड़ी। मेरा फिलहाल अभी 4 नंबर में चल रही है, अभी 3 नंबर मांगने की तैयारी कर रही है। ओके फ्रेंड्स, मेरा गाड़ी, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं 3 नंबर गियर डाल चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी उधर से खवासा चेक पोस्ट से बड़ा था। तो फ्रेंड्स, वो बहुत बड़ा जंगल था, जंगल काफ़ी लंबा था, दूतरफी घेरा हुआ था। घाट कोई बड़ा नहीं घाट था, नॉर्मल घाट था। तो फ्रेंड्स, वो पार कर दिया। वो पार करने के बाद देख रहे लेफ्ट साइड में होटल था और भारत का पेट्रोल पम्प भी था। और फ्रेंड्स क्या है ना, वहाँ पर मतलब ग्रीस मारने वाला बहुत भाई लोग भी वहाँ पे थे। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स आगे चढ़े तो देखे ब्रिज था, तो ब्रिज चढ़ के नीचे उतरे तो ब्रिज के नीचे वो किराया मार्केट था। तो फ्रेंड्स, मैं किराया मार्केट से लमसम वही 1 किलोमीटर आगे बढ़ रहा हूँ तो ये सामने लेफ्ट साइड में तालाब देखने को मिल रही है। बहुत तालाब है इधर, आदमी लोग नहाते धोते हैं गाड़ी खड़ा करके, ऐसा तालाब है। अच्छा सीढ़ी भी बना हुआ है इस तालाब में जाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे फ्रेंड्स मैं बढ़ता हूँ तो बताता हूँ यहाँ से और 20 किलोमीटर जैसा सिवनी बता रही है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए अभी ये एक घाट पर है, सिवनी पार करके घाट पर है। तो फ्रेंड्स, मैं एक घाट में चल रहा हूँ तो देखिए एक अन्ना गाड़ी है, कितनी बुरी तरीके से इसका एक्सीडेंट हुआ है। और फ्रेंड्स, अब मैं और दिखाता हूँ आगे का लुक, मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मतलब शायद पलट गई है, ऐसे ही डाउट हो रहा है कि गाड़ी पलटा हुआ लग रही है, बहुत बुरी तरीके से इसका नुकसान हुआ है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये देखिए सामने पहाड़ काट के रास्ता बना हुआ है, वैसे ज़्यादा बड़ा पहाड़ नहीं है, नॉर्मल पहाड़ है, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी पहाड़ जैसा है चढ़ाई है। दोनों गाड़ी 3 नंबर मांग लेती है ये चढ़ाई में। ओके फ्रेंड्स, एयरपोर्ट से चला हूँ तो फ्रेंड्स वहाँ से करेरा पार किया, सिवनी पार किया, उसके बाद फिर आया लखदोना। तो लखदोना से पहले फ्रेंड्स ये टोल गेट पर आए, तो फ्रेंड्स खवासा से एग्जिट 96 किलोमीटर ये टोल गेट पर है, फर्स्ट टोल गेट खवासा
चेक पोस्ट से फर्स्ट टेल गेट पर आए, उसको 1 किलोमीटर पर आए 96 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स फिर यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा तो और आगे का आपको जानकारी दूंगा। और फ्रेंड्स इसके पीछे जो पम्प पड़ा था वो लेफ्ट साइड में वो बता रहा हूँ, भारत का एक पड़ा था, इंडियन का एक पड़ा था, HP का एक पम्प पड़ा था और होटल चार को पड़ा था। ओके फ्रेंड्स, और फिर राइट साइड में देखने को मिलो मेरे को मिला भारत का एक पम्प देखने को मिला, इंडियन को देखने को मिला और होटल तीन होटल देखने को मिला ये राइट साइड में होटल। ओके फ्रेंड्स, ये 96 किलोमीटर का इतना पम्प और इतना होटल देखने को मिला, और भी था लेकिन एक दो को मिस्टेक हो गया पम्प। ओके फ्रेंड्स, मैं पूरा काउंटिंग किया था लेकिन एक दो फ्रेंड्स नज़र से उतर गया, इसके लिए मैं सॉरी। और फ्रेंड्स मैं इससे और आगे बढ़ता हूँ तो मैं आपको और जानकारी दूंगा। ओके फ्रेंड्स, फिलहाल अभी मैं ये टोल गेट पे पहुंचा लखदोना टोल गेट पे, तो लखदोना से पहले पड़ता है टोल गेट। ओके फ्रेंड्स, फिर मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ जबलपुर के लिए, तो फिर मैं जबलपुर पहुंच के फिर मैं आपको और आगे की तरह के दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं अभी ये दूसरा टोल गेट पे पहुंचा हूँ, ये जबलपुर से लमसम 20 किलोमीटर पहले पड़ा है टोल गेट। और फ्रेंड्स ये चेक पोस्ट खवासा चेक पोस्ट से 167 किलोमीटर पड़ा है टोल गेट। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स क्या है, जब मैं दूसरा जो पहला टोल गेट पार किया था तो दूसरा टोल गेट के बीच में पड़ा है अपना भारत का एक गो पड़ा था पेट्रोल पंप, इंडियन का 4 गो पड़ा है और HP का 2 गो पड़ा है और होटल टोटल 6 गो पड़ा है। ओके फ्रेंड्स, और लेफ्ट साइड में पड़ा है ये भारत का एक पड़ा है, HP का 2 गो पड़ा है, इंडियन का 2 पड़ा है और होटल 6 गो पड़ा है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स फिर मैं यहाँ से निकलूँगा और आगे के जानकारी आपको दूंगा। और फ्रेंड्स क्या है ना, एक दो होटल तो बहुत था लेकिन फ्रेंड्स क्या है ना, मैं बड़े बड़े होटल का लिखा हूँ, छोटा मोटा होटल का नहीं लिखा हूँ, क्योंकि छोटा मोटा होटल पे क्या है ना अपनी गाड़ी लग नहीं पाएगी, इसलिए फ्रेंड्स जो भी होटल का नाम बताए डाला हूँ वो फ्रेंड्स बड़े बड़े होटल है, उस पर आराम से आप लोग गाड़ी लगा करके आराम से सो सकते हैं, खाना पीना भी खा सकते हैं, मतलब बड़ा बड़ा पार्किंग है, उसी होटल का नाम बोला हूँ, होटल का तो नाम नहीं बोल पाया हूँ सॉरी, लेकिन होटल का जो बताया हूँ। और फ्रेंड्स ये जो बताया हूँ एक साथ में नहीं है, सब थोड़ा 5-10 किलोमीटर हट हट के ऐसे ऐसे पेट्रोल पंप है होटल है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं अभी दूसरा वाला टोल गेट पे ऑलरेडी पहुँच गया हूँ। और फ्रेंड्स अब मैं तो फ्रेंड्स देखिए जो लेफ्ट साइड में रास्ता जा रही है सर्विस रोड, वो भोपाल के लिए नीचे रास्ता कट जाएगा और मैं फ्रेंड्स क्या करूँगा ब्रिज के ऊपर चढ़ जाऊँगा, तो ऊपर चढ़ के नीचे उतरूँगा रीवा के लिए चलूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये देखिए रीवा सॉरी ये भोपाल के लिए रास्ता जा रही है ब्रिज के नीचे से। ओके फ्रेंड्स, ये जबलपुर सिटी वाला रास्ता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए यही रास्ता है भोपाल के लिए ब्रिज के नीचे। तो फ्रेंड्स मैं अभी तीसरा टोल गेट पे पहुंचा हूं जो जबलपुर पार करके आया है और यहां से कटनी 65 किलोमीटर लिख रहा है। तो फ्रेंड्स मैं अभी क्या क्या हूँ, जो दूसरा से तीसरा टोल गेट के जो बीच में होटल पेट्रोल पंप आता है उसका मैं काउंटिंग किया हूँ। तो फ्रेंड्स देखने को मिला है राइट साइड में भारत के पंप 3 गो देखने को मिला है और HP का 2 गो पंप देखने को मिला है और इंडियन का 2 गो पंप देखने को मिला है। और फ्रेंड्स गांधी ग्राम जो जबलपुर पार करके एक छोटा सा गांव आया था वहां पर फ्रेंड्स क्या है ना बड़ा मार्केट है और वहां पे बहुत बड़े बड़े होटल भी है, लेफ्ट राइट दोनों साइड होटल है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स फिर लेफ्ट साइड में अभी देखते हैं, तो लेफ्ट साइड में मैं देखने को मिला मेरे को फ्रेंड्स एक भारत का पेट्रोल पंप देखने को मिला, 2 इंडियन का देखने को मिला, HP का 2 देखने को मिला और फ्रेंड्स 5 होटल देखने को मिला, ये सब लेफ्ट साइड में देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स क्या है ना, ये जो जितना ही होटल और पेट्रोल पंप है ये मतलब जो भी बोले है ये दो और तीसरा टोल गेट के बीच में पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, लेफ्ट और राइट दोनों। ओके फ्रेंड्स, फिर फ्रेंड्स मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ रीवा की तरफ, तो मैं और आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं अभी कटनी के बाईपास में चल रहा हूँ, तो फ्रेंड्स राइट साइड में 2 गो होटल देखने को मिला है और फ्रेंड्स जहाँ से कटनी बाईपास चालू हुआ है वहाँ पर क्या है ना फ्रेंड्स ब्रिज का काम चल रही है, तो ब्रिज ऑलरेडी है और अभी जो मिल रही है वो सिटी की तरफ घुस रही है
और मैं ब्रिज के नीचे घुसा हूँ। घुसने से ही देखने को मिला लेफ्ट साइड में होटल भी था वहाँ पर। तो फ्रेंड्स वहाँ से लमसम में कटनी बाईपास में घुस के 7 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर आगे आया हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं अभी पूरा बाईपास चल चुका हूँ। और फ्रेंड्स क्या है ना, देखिए ये जो लेफ्ट साइड में जो रास्ता ये जा रही है वो सिटी के तरफ जा रही है और फिर मैं सीधा जाऊंगा। तो फ्रेंड्स क्या है ना, गरीबा की तरफ बढ़ूंगा। और फ्रेंड्स एक और जो थोड़ा सा राइट जो जा रही है वो शेडोल के लिए रास्ता जा रही है। ओके फ्रेंड्स, मैं भी आप लोग को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये जो रास्ता जा रही है, तो फ्रेंड्स देखिए राइट साइड में रास्ता जा रही है, चंदिया जा रही है और उमरिया जा रहा है और शेडोल जा रहा है और एक और कुछ नाम जा रहा है इधर वो जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं लेफ्ट नहीं मारूंगा यहाँ से, सॉरी इधर से लेफ्ट मारूंगा, राइट नहीं मारूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए ऑलरेडी मैं लेफ्ट मार के आगे बढ़ गया हूँ। यदि हम रेवा साइड से आएंगे तो ब्रिज जहाँ से चालू होता है, जहाँ से अंडरग्राउंड बनता है, वहाँ से लेफ्ट साइड में चला जाता है शेडोल उमरिया के लिए। और फ्रेंड्स जो सीधा चला गया है वो चला गया है बाईपास कटनी का, और हल्का सा लेफ्ट में लेफ्ट लेके घुसेंगे तो वो सीधे सिटी की तरफ बढ़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी तीसरा टोल गेट पार करके चौथा टोल गेट पर पहुंचा हूं। तो फ्रेंड्स ये चौथा वाला है, ये मैहर से मोटा मोटी 25 किलोमीटर ये टोल गेट पर है। और फ्रेंड्स वो जो तीसरा गुस्से चौथा टोल गेट जो होटल और पंप पर है वो मैं बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स लेफ्ट साइड में देखने को मिला है 4 गो भारत का पेट्रोल पंप देखने को मिला है, 2 HP को देखने को मिला है और 3 गो इंडियन ऑयल देखने को मिला है और 6 गो होटल देखने को मिला है। और फ्रेंड्स जो राइट साइड में देखने को मिला है भारत का एक भी नहीं देखने को मिला है, HP का खाली 2 ठो देखने को मिला है, इंडियन के 3 गो देखने को मिला है और होटल 4 गो देखने को मिला है। फ्रेंड्स ये जो भी मैं आपको होटल बताया हूँ ये फ्रेंड्स बड़े बड़े होटल है, इस पर आराम से आप लोग खाना पीना खा के सो भी सकते हो, बड़ा बड़ा होटल है। और फ्रेंड्स ये जो भी बताए एक साथ में नहीं है, थोड़ा दूरी पे है, 2-4-5-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे ऐसे ऐसे पेट्रोल पंप है और होटल भी है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं अभी ये टोल गेट पर पहुँचा हूँ, चौथा टोल गेट है जो मैहर से पहले पड़ता है। फिर फ्रेंड्स मैं यहाँ से अभी आगे निकलूँगा रीवा के लिए। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स क्या है ना कि उधर से हम आए थे तो कटनी का बाईपास का क्या है ना फ्रेंड्स, अभी पूरा 4 लाइन के काम चालू है, पूरा 4 लाइन नहीं है। तो फ्रेंड्स ये चौथा टोल गेट पड़ा है, ये टोल गेट पड़ा है 337 किलोमीटर एग्जैक्ट खवासा चेक पोस्ट से। ओके फ्रेंड्स, जो खवासा सिवनी वाला जो बॉर्डर है वो एग्जैक्ट यहाँ से 337 किलोमीटर पे टोल गेट पड़ गया है। ओके फ्रेंड्स, फिर भी यहाँ से बढ़ूंगा रीवा के लिए। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये टोल गेट पार करते ही लेफ्ट साइड में और राइट साइड में नाश्ता के दुकान देखने को मिले, राइट साइड तो कम लेकिन लेफ्ट साइड में पूरा छोटा छोटा चाय का दुकान है, बिस्किट का दुकान है, नाश्ते का दुकान है, यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आप साइड में लगा करके आराम से नाश्ता कर सकते हो। और टोल गेट पार करते फ्रेंड्स एक पंप देखने को मिल रही है, वो इंडियन ऑयल का पंप है, लमसम टोल गेट से 1 किलोमीटर जितना दूर पे पेट्रोल पंप देखने को मिल रही है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये पेट्रोल पंप है जो देखे आप सामने है। फ्रेंड्स ये टोल गेट पार करते 1 किलोमीटर आया है, चौथा टोल गेट पार करते और राइट साइड में होटल भी आया था। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए अभी हम टोल गेट पार करके आए हैं, थोड़े वही 10 किलोमीटर जैसे आगे, तो देखिए जो राइट साइड में रास्ता जा रही है वो बाईपास जा रही है और जो लेफ्ट साइड में रास्ता कट रही है वो मैहर के लिए मार्केट में जा रही है सिटी में। और मैहर बहुत फेमस है फ्रेंड्स, मैहर माता है, एक बहुत बड़ा मंदिर है जो बहुत फेमस है। जब भी आप लोग रीवा सतना मैहर जबलपुर कटनी वाला रोड से गुजरोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि वहाँ मैहर माता जी बहुत बड़े हैं, वो मैहर माता को लोग सब दर्शन करने जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं क्या बताएं, हम दर्शन नहीं कर पाएंगे
क्योंकि फ्रेंड्स वो थोड़ा अंदर में पड़ता है, ज़्यादा अंदर नहीं लेकिन फिर भी है। और फ्रेंड्स मैं थोड़ा अभी क्या टाइम हो रही है 5 बजने वाली है और फ्रेंड्स मेरे को क्या ना वो रीवा में आरटीओ बैठता है तो उसको क्रॉस करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स इसके लिए मैं क्या ना फ्रेंड्स मैं नहीं जा पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स, मैं माता जी के पास नहीं जा पा रहे इसके लिए सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं वहाँ से चल के आया था मैहर से, तो फ्रेंड्स अभी मैं रीवा से थोड़ा पहले हूँ, मोटा मोटी यहाँ से और 40 किलोमीटर जैसा है तो ये टोल गेट आया है। तो फ्रेंड्स ये टोल गेट पर आया है खवासा चेक पोस्ट से एग्जैक्ट 405 किलोमीटर, और फ्रेंड्स मैं अभी यहाँ से बढ़ूँगा तो और मैं आगे बताऊँगा। और फ्रेंड्स क्या है 4 और 5 के बीच में जो टोल गेट के बीच में जो होटल और पेट्रोल पम्प आया वो मैं अभी बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके तो फ्रेंड्स भारत का पेट्रोल पम्प राइट साइड में देखने को मिला है 3 गो, HP का 1 गो और इंडियन के 2 गो देखने को मिला है, और होटल 4 देखने को मिला है फ्रेंड्स। ओके और लेफ्ट साइड में देखने को मिला है इंडियन का 2 गो, HP का नहीं मिला है देखने को, और भारत मिला है 4 गो और होटल मिला है 6 गो देखने को फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये क्या है ना जो अभी आपको मैं जो भी पेट्रोल पंप होटल बताया हूँ तो कोई फ्रेंड्स को कोई कोई होटल आमने सामने है, कोई पेट्रोल पंप आमने सामने कुछ दूरी पर है, ऐसा फ्रेंड्स क्या है मैं पूरा एग्जैक्ट नहीं काउंटिंग कर पाया हूँ, लेकिन फ्रेंड्स ये जो पेट्रोल पंप है वो करेक्ट है, ये टोल गेट और टोल गेट दोनों के बीच में इतना पेट्रोल पंप है जो भी मैं बताया हूँ, इतना पेट्रोल पंप है और होटल भी है, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा दूरी पर कोई आमने सामने भी है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं अभी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ूँगा, ये टोल गेट से 5वें टोल गेट से आगे की तरफ अभी 5वां टोल गेट पे पहुँचूँगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर समझिए यहाँ पर टाइम हो गया है 5:30 हो गया है, यहाँ पर सुबह हो गया है। तो फ्रेंड्स मैं अभी खवासा चेक पोस्ट से चला हूँ, टोटल तो 461 किलोमीटर पर देखने को मिला है सामने टोल गेट, जो फ्रेंड्स रीवा बाईपास से पार करके ज़्यादा नहीं मुश्किल से 6-7 किलोमीटर आगे आए थे टोल गेट देखने को मिला है। और फ्रेंड्स एक मतलब भारत का पेट्रोल पंप देखने को मिला है, और एक तो और क्या बताएं फ्रेंड्स, और 2 होटल देखने को मिला है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं वहाँ से खवासा चेक पोस्ट से चला था जहाँ पे खवासा बॉर्डर है MP का, वहाँ से चले यहाँ तक, तो फ्रेंड्स 472 किलोमीटर पर है। इस जगह का नाम मनगावा है, रीवा पार करके मनगावा आता है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे अभी हम यहाँ से ये मनगावा वाला जो पुलिया है यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी ब्रिज के सर्विस रोड जाऊँगा और वहाँ से लेफ्ट मार दूँगा, लेफ्ट मार के इलाहाबाद वाला रोड पे जाऊँगा, और फ्रेंड्स राइट साइड में वो मनगावा गांव में होए तो सिंगरौली बैठन की तरफ निकल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटा सा सामने बोर्ड भी मार कर रखा है इलाहाबाद के लिए और मनगावा के लिए राइट और इलाहाबाद के लिए लेफ्ट। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स वहाँ एक छोटा एक और बोर्ड दे दिया जिसका नाम प्रयागराज इलाहाबाद दोनों के लिए दिखा दिया गया है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ से एक जेट भरूँगा, इस रोड पे टोटल 7 टोल गेट पड़ा है, और फ्रेंड्स इधर से अब लेफ्ट मारते हैं इलाहाबाद वाला रोड पे तो कितना किलोमीटर पे बॉर्डर आता है MP का वो अभी देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स फिलहाल मेरा वीडियो पे आप लोग बने रहिए और आगे आपको जानकारी देते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं अभी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फ्रेंड्स देखिए ऑलरेडी सर्विस रोड में गाड़ी टर्न मार रहा हूँ और फ्रेंड्स आगे जाके फिर पुलिया के नीचे से लेफ्ट मारूंगा। तो फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं पुलिया के नीचे आ गया, अभी मैं लेफ्ट मार रहा हूँ, तो लेफ्ट मारते फ्रेंड्स क्या है ना यहाँ पर होटल तो नहीं है लेकिन छोटा मोटा चाय का दुकान है साइड में लगा करके, आप लोग चाय पानी नाश्ता कर सकते हैं, बड़ा होटल नहीं है लेकिन नाश्ता वास्ता कर सकते हैं, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सामने एक बोर्ड भी देखने को मिल रही है जो प्रयागराज का इलाहाबाद का बोर्ड देखने को दिखा रही है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं वहाँ से अपना खवासा चेक पोस्ट से चले थे, तो फ्रेंड्स क्या है ना उन मनगावा से फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी लेफ्ट मार दिया था ब्रिज के नीचे सर्विस लोड लेकर के, तो लेफ्ट मार के यहाँ पर पहुँचा तो सामने ये टोल गेट दिख रही है। तो फ्रेंड्स एग्जैक्ट ये टोल गेट पर आया है 512 किलोमीटर वहाँ चेक पोस्ट से, और फ्रेंड्स क्या है ना उसमें से हम और जहाँ से टर्न मारे वहाँ से एग्जैक्ट ये टोल गेट पर है 40 किलोमीटर, जहाँ से हम ब्रिज से एग्जैक्ट 40 किलोमीटर ये पड़ गया है। ओके फ्रेंड्स, फिर यहाँ से हम अभी आगे बढ़ेंगे, तो फ्रेंड्स आगे के तरफ देखेंगे क्या है नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं इधर जब मैं ब्रिज से जब इधर लेफ्ट टर्न मारा हूँ तो उसका पंप आया फ्रेंड्स राइट साइड में देखने को मिला है, भारत का एक पंप देखने को मिला है, और फ्रेंड्स होटल 5 देखने को मिला है।
ओके फ्रेंड्स, ये आया है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आया है फ्रेंड्स एक भारत का पेट्रोल पंप और 3 होटल आया है। फ्रेंड्स इस रोड पे क्या है ना, बड़ा बड़ा होटल नहीं है, लेकिन फिर भी है होटल। ये 40 किलोमीटर में थोड़ा हल्का है, बड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन फिर भी छोटा मोटा है होटल। ओके फ्रेंड्स, फिर यहाँ से मैं बढ़ता हूँ तो आप लोग के आगे की जानकारी देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स पीछे इसमें 2 गांव भी पड़ा था, तो एक गट गांव पड़ा था और एक कठ गांव पड़ा था। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं अभी टोल गेट पार किया हूँ। टोल गेट पार करने के बाद जैसे आधा किलोमीटर आए तो सामने एक RTO चेक पोस्ट लगा है जो रीवा जिला के अंदर आ जाता है। इस जगह का नाम है सुहागी जगह का नाम है। और यहाँ से फ्रेंड्स क्या करेंगे, अब यहाँ से चक घाट यहाँ से 13 किलोमीटर लिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी फ़िलहाल ये देखिए सामने एक घाट जैसा लग रहा है, मेरे को ऐसा घाटे लग रहा है, लेकिन आगे जाने के बाद पता चलेगा कि घाटे की क्या है। तो एक घाट से पहले मैं एग्जैक्ट समझिए फ्रेंड्स, मैं 40 किलोमीटर आया तो टोल गेट लग गया। टोल गेट पार करते ही वो अपना RTO चेक पोस्ट लग गया है, वो चेक पोस्ट पर ऑलरेडी मैं क्रॉस कर दिया हूँ। और फ्रेंड्स मैं अभी यहाँ का वीडियो यहीं पूरा एंड करता हूँ। पूरा MP का वीडियो है फ्रेंड्स, खवासा से लेके और रीवा चेक पोस्ट तक का पूरा एंड कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, वहाँ से यहाँ तक किलोमीटर टोटल पर, तो फ्रेंड्स टोटल 512 किलोमीटर पर गए खवासा से लेके रीवा चेक पोस्ट तक।